हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार, वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं। नई शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने अपने एग्ज़ाम का डेट दे दिया है, NTPC का डेट दे दिया है, उसी तरह आपको बिहार SI का डेट है, आपको फिर से होम गार्ड का डेट है। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग को बुक के साथ, उस बुक में जो दिए हुए हैं ये SPD है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के पास SPD बुक होगा, जो रेलवे स्पेशल के लिए जो SPD बुक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है सामान्य विज्ञान के लिए, उस सामान्य विज्ञान SPD के सामान्य विज्ञान में आपको प्रमुख सेट दिए हुए हैं और प्रमुख मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट और मॉडल सेट दिए हुए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उन टोटल मॉडल सेट प्लस प्रैक्टिस सेट को मैं सॉल्व करा दूँ केवल सामान्य विज्ञान का। इसके अलावा मैं सामान्य ज्ञान का भी SPD के टोटल सामान्य ज्ञान का भी मैं मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट को मैं सॉल्व कराऊँगा, लेकिन पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट। इसमें लगभग, याद रखिएगा, लगभग इसमें 1500 मॉडल सेट है ना, जो SPD का आपको सामान्य विज्ञान है, इसमें टोटल 150 मॉडल सेट है और लगभग इसमें 300 आपको प्रैक्टिस सेट है ना। मैं प्रयास करूंगा कि इन सभी मॉडल सेट को और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा दूं। वो इसलिए मेरा क्लास जो ट्रेडिशनल आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स तो चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी SPD के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के जो मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट है, इसको मैं सॉल्व करा दूँ। हालांकि इसको मैं जो सॉल्व कराऊँगा वो वन लाइनर रूप में सॉल्व कराऊँगा, क्वेश्चन रूप में सॉल्व कराना तो संभव नहीं है इस बोर्ड पर। मैं वन लाइनर रूप में इसको सॉल्व कराऊँगा। जैसे मान लीजिए अगर एक मॉडल सेट होगा तो एक मॉडल सेट में कम से कम 20 से 22 आपको टॉपिक होंगे यानी क्वेश्चन होंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं क्वेश्चन पूछ करके उसके सामने आंसर लिख करके और उनका पूरा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, डिस्कशन कर दूंगा कि उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लीजिए अगर एक मॉडल सेट में अगर 20 से 22 क्वेश्चन है तो मैं प्रयास करूंगा इससे 50 क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। इस 20-22 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बनाऊँगा तो समझिए एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से सॉल्व होते हैं तो डेली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग अच्छा खासा एग्ज़ाम तक हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी लगभग हमारे पास आपको 60 से 65 दिन है और इसमें हम प्रयास करेंगे कि अच्छा खासा हम मॉडल सेटों को सामान्य विज्ञान SPD के सामान्य ज्ञान से मॉडल सेटों को हम सॉल्व कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान के टोटल मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और सामान्य विज्ञान का भी मॉडल सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास SPD नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो दिखेगा, उसमें टोटल दिया हुआ है और उसी को मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मॉडल सेट एक से, मॉडल सेट एक में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है ना। एक नंबर में जो क्वेश्चन है वह आपको विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है। अब इसका आपको आंसर दे सकते हैं कि विटामिन बी का प्रमुख स्रोत क्या है। समझिएगा, विटामिन बी का जो प्रमुख स्रोत है ना, आप लोग आंसर देते जाइएगा, बाकी हम तो सॉल्व कराते ही चलेंगे। विटामिन बी सी का जो प्रमुख स्रोत है वह आपको आंवला है ना। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वह आपको आंवला है। अब हम विटामिन सी से कुछ और रिलेटेड बात को देख लेते हैं कि इसमें और इसकी क्या क्या उपयोगिता है। समझिएगा, विटामिन सी, ये जो विटामिन सी है आपको जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है ना। जल में घुलनशील विटामिन और भी हैं, आपको विटामिन बी समूह एवं सी, ये आपको टोटल जल में घुलनशील विटामिन है ना। अब आ जाए कि विटामिन सी का खोज किसने किया था, तो विटामिन सी का जो खोज किया था वह आपको यूजुक्ट होलकट ने किया था। यूजुक्ट
होलकट ने किया था, है ना। विटामिन सी का जो खोज किया था वह यूजुक्ट होलकट ने किया था। और एक क्वेश्चन बनेगा इसे कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, जो कमी से होने वाला रोग है आपको पायरिया है ना, पायरिया जो मसूड़े से संबंधित है ना, मसूड़े से आपको संबंधित रोग है। अब देखिए विटामिन सी से कितना बन गया। पहला कि विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत क्या है, आंवला है। यह विटामिन सी किस में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन है ना। इसकी खोज किसने किया था, तो यूजुक्ट होलकट ने किया था। और विटामिन सी के कमी से होने वाला जो रोग होता है वह पायरिया रोग होता है, पायरिया रोग होता है। तो इस तरह समझ में आ गया। तो एक नंबर है आपको विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आपको आंवला है, कंप्लीट। अब हम दूसरे नंबर में देखते हैं मानव शरीर में, इसको इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। दूसरा नंबर, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या होता है ना। दो नंबर में क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है, समझिएगा, प्रमुख कार्य क्या होता है, समझिएगा। मानव शरीर में गुर्दा का जो प्रमुख कार्य होता है वह आपको बेकार जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालना होता है। शरीर से जो बेकार द्रव्य होता है उनको बाहर निकालना होता है। मानव शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना है ना, इसका प्रमुख कार्य होता है। शरीर में गुर्दा का जो प्रमुख कार्य होता है वह मानव शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। ये समझिएगा, ये क्वेश्चन है, ये सभी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है और मॉडल सेट भी हैं जो पहले से बनाए गए हैं। तो शरीर में गुर्दा का जो प्रमुख कार्य होता है वह मानव शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। अब हम तीसरा नंबर बात करेंगे। तीसरा नंबर है आपको विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, समझिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, समझिएगा। तो विटामिन ए की कमी से दो रोग होता है। पहला होता है आपको रतौंधी जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, और दूसरा होता है जीरोप्थैल्मिया। ये आपको विटामिन ए की कमी से दो रोग होता है ना, विटामिन ए की कमी से एक नंबर रतौंधी होता है और दूसरा आपको जीरोप्थैल्मिया होता है, समझिएगा। विटामिन ए जो है ये आपको वसा में घुलनशील विटामिन है, ये जो ए है आपको वसा में घुलनशील विटामिन है ना, यह आपको वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा, घुलनशील जो विटामिन है वह आपको ए डी ई एवं के है ना, ये चारों आपको वसा में घुलनशील विटामिन है, जो ए डी ई के है ये चारों आपको वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपको रेटिनॉल है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपको रेटिनॉल है, समझिएगा। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो आपको थायमिन है। और याद रखिएगा, विटामिन बी के कमी से होने वाला जो रोग है वह आपको बेरी बेरी है। ये आपको विटामिन बी की कमी से, मैं इसलिए बी को बताया क्योंकि विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था
विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था वह आपको मैकुलन ने किया था, मैकुलन ने किया था, समझिएगा। विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था वह मैकुलन ने किया था, और विटामिन का जो खोज किया था, विटामिन का जो खोज किया था वह आपको फंक ने किया था। विटामिन का जो खोज किया था वह विटामिन, फिर समझिएगा आपको, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया है ना। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा डी ई के, ये भी आपको वसा में घुलनशील विटामिन है ना, है ना। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम हो थायमिन है, और इसके कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है। यानी विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था वह मैकुलन ने किया था, और विटामिन का खोज आपको फंक ने किया था, है ना। तो ये आपको तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन था। अब हम चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर में है आपको चेचक का टीका, समझिएगा। चौथा नंबर है आपको चेचक का टीका, चेचक का टीका का खोज किसने किया था, है ना। चेचक के टीका का खोज किसने किया था, समझिएगा। चेचक के टीका का जो खोज किया था वह आपको एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, समझिएगा। चेचक का टीका का जो खोज किया था वह आपको एडवर्ड जेनर ने किया था। अब टीका से संबंधित है तो कुछ और टीका को भी देख लेते हैं, कौन कौन सा टीका है। पहला है, देखिएगा, इसमें आपको पोलियो का टीका, पोलियो का टीका है ना। उसके बाद आपको बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका, और तीसरा नंबर आपको रेबीज का टीका है ना, रेबीज का टीका, समझिएगा। आपको पोलियो का टीका का खोज किया था किसने, जॉन्स साल्क ने किया था, जॉन साल्क ने किया था। बीसीजी का टीका का खोज किया था यूरिन कॉलमेट ने, यूरिन कॉलमेट ने किया था। और रेबीज का टीका का खोज किया था लुई पाश्चर ने, लुई पाश्चर ने, समझिएगा। तो चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने, पोलियो का टीका का खोज जॉन साल्क ने, बीसीजी का टीका का खोज यूरिन कॉलमेट ने, और रेबीज का टीका का खोज लुई पाश्चर ने। ये आपको रेबीज का जो टीका दिया जाता है वो आपको हाइड्रोफोबिया के इलाज में दिया जाता है, हाइड्रोफोबिया है ना, हाइड्रोफोबिया के इलाज में यह आपको टीका दिया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोफोबिया होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। और ये बीसीजी, समझिएगा, बीसीजी का फुल फॉर्म है वह है आपको बैसिलस, बैसिलस कॉलमेट, कॉलमेट ग्यूरिन है ना, ये इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म, ये कभी पूछ देता है। तो ये आपको चौथा नंबर, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर में। पांचवा नंबर में है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पांचवा नंबर में शरीर में, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या बताते चलेंगे, कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, कितनी होती है, है ना, समझिएगा। शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो आपको 206 होती है, है ना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वह आपको 206 होती है। लेकिन जन्म के समय, जन्म के समय हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वह लगभग 300 होती है। और शिशु के, शिशु के हड्डियों की जो संख्या होती है वह, शिशु की
हड्डियों की जो संख्या होती है वह लगभग 270 होती, तो याद रखेंगे। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 और जन्म के समय ये आपको 300 होता है बच्चों में, और शिशुओं की हड्डियों की जो कुल संख्या होती है 270 होती है। अब 6 नंबर में हम बात करते हैं आपको शरीर की सबसे लंबी हड्डी, समझिएगा। 6 नंबर में है आपको शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, समझिएगा। शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है कौन सी होती है, फीमर होती है ना। फीमर किस कहाँ पे होती है, आपको जांघ की हड्डी होती है ना, ये जांघ की हड्डी होती है। अगर आ जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तब आपको शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना, शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपको स्टेपी होती है ना, स्टेपीज, स्टेपीज ये कहाँ की होती है, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो फिर समझिएगा, शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपको स्टेपीज, जो कान की होती है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर में, देखेंगे 7 नंबर में है आपको शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, समझिएगा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, बताइए आप लोग। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, ये है आपको जबड़ा। क्या है, जबड़ा है। कहा जाता है ना गुस्से में लोग कोई कहता है कि मार करके जबड़ा तोड़ देंगे, है ना। आप लोग आपस में भी कभी कभी क्लास में देखते हैं जब गुस्सा आप लोग करते हैं तो बोलते हैं कि मार करके जबड़ा को तोड़ देंगे, लेकिन जबड़ा टूटता नहीं है। ये शरीर का क्या है, सबसे मजबूत हड्डी है। तोड़ने के लिए, मुंह से कहने के लिए तो आसान है कि मार कर जबड़ा तोड़ देंगे, लेकिन ये टूटता नहीं है। ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जबड़ा, कौन सा, ये वाला, है ना। अब हम बात करते हैं 8 नंबर में, समझिएगा। 8 नंबर में है आपको हृदय की धड़कन एक मिनट में कितने बार धड़कती है, 8 नंबर में हृदय की धड़कन एक मिनट में कितने बार धड़कता है, एक मिनट में कितने बार धड़कता है, बताइए आप लोग। एक मिनट में ये आपको धड़कता है कितने बार, 72 बार धड़कता है ना। आपको हृदय की जो धड़कन होती है यह एक मिनट में 72 बार धड़कती है, याद रह गया, रखिएगा। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या है, नियंत्रित करने वाला यंत्र, नियंत्रित करने वाला वाला यंत्र कौन सा है, पेसमेकर है ना, पेसमेकर, याद रखिएगा। हृदय के धड़कन को जो नियंत्रित किया जाता है वह पेसमेकर से किया जाता है ना, पेसमेकर से किया जाता है। और याद रखिएगा, हृदय के धड़कन को जांच किया जाता है किससे, आपको ईसीजी से, ईसीजी से, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इससे हृदय के धड़कन को जांचा जाता है ना। आपको जांचा जाता है, हृदय के धड़कन को जो जांच किया जाता है वह ईसीजी से किया जाता है, जिसका खोज किसने किया था, इंथोवेन ने किया था, किसने किया था, इंथोवेन ने, समझिएगा। फिर हृदय के धड़कन एक मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या है, पेसमेकर है। और आपको याद रखिएगा, हृदय के धड़कन को जांच किया जाता है किससे, ईसीजी से, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से किया जाता है, जिसका खोज किया था किसने, आपको इंथोवेन ने किया था। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर में, समझिएगा। 9वां नंबर जो है वह है खून का रंग लाल क्यों होता है ना। 9वें नंबर में हम देखेंगे खून का रंग लाल क्यों होता है। 9 नंबर में खून का रंग लाल क्यों होता है, लाल क्यों होता है, समझिएगा। क्यों होता है जी खून का रंग लाल,
टमाटर खाने से नहीं, खून का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन से होता है, है ना, हीमोग्लोबिन से होता है, याद रखिएगा। खून का जो रंग लाल रंग का कारण है वह हीमोग्लोबिन है, और याद रखिएगा ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपको प्रोटीन का यौगिक है, ये जो आपको हीमोग्लोबिन है ये आपको प्रोटीन का एक यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये प्रोटीन का एक यौगिक है ना, प्रोटीन का एक यौगिक है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, समझिएगा। खून का रंग किसके कारण होता है, लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और जो हीमोग्लोबिन है ये आपको प्रोटीन का एक यौगिक है, और हीमोग्लोबिन में ही आपको लोहा पाया जाता है। और याद रखिएगा ब्लड का खोज किसने किया था, ब्लड का जो खोज किया था वो आपको लैंडस्टीनर ने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। और RH फैक्टर का खोज किसने किया था, RH फैक्टर का जो खोज किया था वो आपको लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था, है ना, वीनर ने, समझिएगा। फिर से खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है, और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है, और सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। और खून का जो खोज किया था वो आपको लैंडस्टीनर ने किया था, और आपको RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर एवं हीनर ने किया था, है ना। और एक बात याद रखिएगा, आपको खून का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। खून का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वो आपको हीमेटोलॉजी कहलाता है ना, हीमेटोलॉजी कहलाता है। हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आता है तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा इनबॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स में, तब हम इस मॉडल सेट को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बंद करेंगे, ठीक ना। ये आपका 9वां नंबर है। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर में, समझिएगा, 10वें नंबर में। 10वां नंबर जो है वो आपको है कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 10वें नंबर समझिएगा, 10वें नंबर है RBC का जीवन काल, बताइए आप लोग RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। RBC का जो जीवन काल होता है वो आपको 120 दिन का होता है ना, 120 दिन का होता है। RBC आपको रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है। तो समझिएगा RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, रेड ब्लड कार्प, RBC का जो पूरा नाम होता है वो रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। और ध्यान दीजिएगा, खून का जो निर्माण होता है वो रेड बोन मैरो में होता है ना, रेड बोन मैरो में होता है, जो खून का निर्माण होता है वो रेड बोन मैरो, इसे कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है ना, जो खून का निर्माण होता है वो आपको रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 11 नंबर में, 11 नंबर में है किस विटामिन के कमी से आपको रक्त का थक्का नहीं जमता है, समझिएगा, किस विटामिन के कमी से, 11 नंबर, किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, 11 नंबर में है किस विटामिन के कमी से, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो समझिएगा आपको विटामिन के के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह आपको वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील
घुलनशील विटामिन है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो आपको फिलोक्यूलोन है ना, फिलोक्यूलोन है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो आपको फिलोक्यूलोन है। फिर समझिएगा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। किस आ जाए क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। ये जो विटामिन के है वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्यूलोन है। अब हम बात करते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 12 नंबर में, 12 नंबर जो है वो आपको है रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है। 12 नंबर समझिएगा, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा होता है ना, आपको प्लाज्मा होता है। रुधिर का जो पर तरल भाग होता है वो आपको प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा समझिएगा। ये आपको रुधिर का जो तरल भाग होता है वो आपको प्लाज्मा होता है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा 13 नंबर जो है वह है आपको ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिप्टर किसे कहा जाता है ना, ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिप्टर किस किस विटामिन को कहा जाता है। तो समझिएगा, ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है विटामिन ओ को, और यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है विटामिन ए बी को है ना। तो सर्वाधिक जो सर्वदाता कहा जाता है विटामिन ओ को कहा जाता है, और अदाता कहा जाता है वो आपको ए बी को कहा जाता है। तो 12 नंबर में है ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर विटामिन ओ को कहा जाता है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर आपको विटामिन ए बी को कहा जाता है। अब हम 14 नंबर में बात करते हैं, 14 नंबर में है वह है कि पित्त का उत्पन्न कहाँ होता है। ये जो हमारा पित्त होता है ये कहाँ पे उत्पन्न, पित्त उत्पन्न कहाँ होता है। तो समझिएगा, पित्त जो उत्पन्न होता है वह आपको किडनी में होता है, जो पित्त उत्पन्न होता है वह आपको किडनी में, पित्त आपको किडनी में उत्पन्न होता है। और समझिएगा, आपको पित्त किडनी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह आपको नेफ्रोलॉजी कहलाता है ना, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। जो पित्त जो उत्पन्न होता है वह किडनी होता है, और किडनी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह नेफ्रोलॉजी है, आपको नेफ्रोलॉजी है ना। तो ये आपका 14 नंबर है। अब हम बात करते हैं आपको, बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। 15 नंबर में समझिएगा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप का मतलब समझते हैं आपको, आप लोग, रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, जिसे बीपी भी कहा जाता है, बीपी भी कहा जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो आपको 120/80 होता है ना, 120/80 होता है। याद रखिएगा, जो स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर या बीपी होता है वो आपको 120/80 होता है। और याद रखिएगा, इसे मापा जाता है किसे, बीपी को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह आपको 120/80 होता है, और इसे मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 16 नंबर में है आपको किडनी, जो किडनी होता है वह रक्त से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालता है। क्वेश्चन आ जाए कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को बाहर कौन निकालता है, अशुद्ध पदार्थों को
बाहर कौन निकलता है तो समझिएगा शरीर का कौन सा अंग निकलता है, तो किडनी होता है ना, किडनी। किडनी ये आपको रक्त से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकलता है या निकालने का काम करता है, कौन? किडनी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपको 17 नंबर में है आपको शरीर की सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी कोशिका, समझिएगा 17 नंबर में है आपको शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, नाम बताइए जल्दी आप लोग, लंबी कोशिका, शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह आपको तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये आपको शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ना, ये आपको शरीर की सबसे लंबी कोशिका है आपको तंत्रिका कोशिका है आपको तंत्रिका तंत्र। उसके बाद हम 18 नंबर में बात करते हैं हाइड्रोफोबिया के काटने से, हाइड्रोफोबिया रोग क्यों होता है, 18 नंबर ये आ गया फिर क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग क्यों होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इसी तरह क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके, क्यों होता है आपको मालूम है आपको कुत्ते के काटने से है ना, कुत्ते के काटने से यह रोग होता है, कुत्ते के काटने से यह आपको हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया रोग के बचाव के लिए ही आपको रैबीज का टीका दिया जाता है, रैबीज का टीका दिया जाता है जिसका खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने किया था है ना, लुई पाश्चर ने इसकी खोज किया था। तो हाइड्रोफोबिया रोग किसे होता है, तो कुत्ते के काटने से, और इसके बचाव के लिए रैबीज टीका दिया जाता है जिसका खोज किया था लुई पाश्चर ने। उसके बाद 19 नंबर में हम बात करते हैं, 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह है विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है ना, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है क्या, विषाणुओं का जो अध्ययन क्या कहलाता है आपको, वायरोलॉजी कहलाता है ना, विषाणुओं का जो अध्ययन है वो आपको वायरोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा विषाणु का खोज किसने किया था, विषाणु का खोज किया था इवानोवस्की ने है ना, ये रूसी वैज्ञानिक थे, इवानोवस्की ने आपको विषाणु का खोज किया था किससे, आपको तंबाकू के पत्ते पर मोजेक नामक रोग में है ना, तंबाकू के पत्ते पर जो मोजेक नामक रोग हुआ था उसी रोग के अध्ययन में यह अपने खोज किया था है ना, तंबाकू के पत्ते पर मोजेक नामक रोग के अध्ययन के कारण के उपलक्ष में है ना, मोजेक नामक रोग के अध्ययन में ही इन्होंने आपको वायरस का खोज किया था, और वायरस का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो आपको वायरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद 20वें नंबर में हम बात करते हैं हीमोफीलिया नामक रोग में क्या होता है, तो आपको रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, आपको 20 नंबर है हीमोफीलिया नामक रोग में, हीमोफीलिया नामक रोग में क्या होता है, प्रमुख कारण क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनना है ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो समझिएगा हीमोफीलिया नामक रोग में आपको रक्त का थक्का नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। और यह एक वंशानुगत रोग है, जो हीमोफीलिया है यह आपको वंशानुगत रोग है। सबसे पहले यह रोग हुआ था ब्रिटेन की महारानी को, इसलिए इसे रानी का रोग भी कहा जाता है, हीमोफीलिया रोग आपको सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था इसलिए इसे रानी का रोग भी कहा जाता है। उसके बाद 21 नंबर में है क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट यह है आपको ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा नामक रोग किससे संबंधित है, तो यह आपको आँख से संबंधित है,
नामक रोग किससे संबंधित है, तो ये याद रखिएगा, ये जो ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा नामक जो रोग है यह आपको आँख से संबंधित है, समझिएगा, ये आपको आँख से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोमा जो रोग होता है किससे संबंधित है या ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ये आँख से संबंधित है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आँख से संबंधित रोगों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपको EOG में किया जाता है ना, EOG के माध्यम से आँख में आई रोगों को या गड़बड़ियों को जांच करने के लिए EOG से किया जाता है। देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑक्युलोग्राफ होता है ना, समझिएगा, ये जो EOG आँख में आई गड़बड़ियों को पता लगाने के लिए या आँख के रोगों को जांच करने के लिए EOG किया जाता है, EOG से किया जाता है ना, इलेक्ट्रो ऑक्युलोग्राफ से किया जाता है। तो ये आपको SPD समान विज्ञान का मॉडल सेट नंबर वन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास पसंद आए होंगे, समझिएगा, ये सभी केवल इसमें तो केवल अभी बायोलॉजी से था, लेकिन सेट 1, 2, 3, 4 जिस तरह 150 इसमें मॉडल सेट है, ये जो अगला मॉडल सेट होगा या इसमें, तो इसमें तीनों से संबंधित फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इस मॉडल सेट में मुझे लग रहा है केवल बायोलॉजी का ही क्वेश्चन था, लेकिन आगे आने वाले जितने भी मॉडल सेट हैं उस सब में आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहे हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है। अगर ये क्लास पसंद आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्लास विशेषकर मैं रेलवे NTPC बिहार मेन्स SI और आपको होम गार्ड को लेकर बना रहा हूँ, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको विज्ञान, सामान्य विज्ञान जो रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए मैं बनाया हूँ। अगर ये क्लास आपको पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तब इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, इस मॉडल सेट को सब कराएंगे, क्यों जो 150 है, और उसके बाद इसके इस स्पीडी के टोटल आपको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराएंगे। अगर क्लास आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बोलिएगा, तो फिर इसको नहीं कराएंगे, है ना। रही बात साइंस के क्लास का, तो आदर्श सर टोटल साइंस का क्लास लेंगे, उनका जो क्लास होगा वो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव जो क्लास होगा बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो डिस्क्रिप्टिव वो क्लास लेंगे अपने क्लास के अनुसार, है ना, उससे और इसे कोई लेना देना नहीं है। ये टोटल क्वेश्चनों का संग्रह है, ये हम कराएंगे और बाकी क्लास वो लेंगे आपको, है ना, और वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराएंगे और मैं भी कराऊंगा। इसके अलावा मैं सामान्य ज्ञान का भी, यानी टोटल GS का, ये तो सामान्य विज्ञान है, टोटल GS का भी मैं क्वेश्चन या मॉडल सेट में सॉल्व कराऊंगा SPD का। ध्यान रखिएगा, मैं पूरे SPD का लेकर चलो, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा SPD आप लोगों को कंप्लीट हो जाए, क्योंकि SPD बहुत अच्छा सार संग्रह दिया हुआ है, मैं देखा उसको तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, अगर कोई गलतियाँ उसमें होती है तो मैं उसको सुधार करके आपके सामने इस तरह में प्रस्तुत करूँगा, ठीक ना। तो रन देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, है ना, आप बताएंगे तभी इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा, अन्यथा नहीं रखूँगा, बाकी जो मेरा क्लास है वो चलता रहेगा, ठीक ना। तो रन देते इतना ही, फिर अगर आप बताएंगे तो मैं मॉडल सेट नंबर 2 लेकर आऊँगा, तब तक इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।